हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली आ गया है, हम अलग अलग का स्नैक्स बनाना शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली के लिए हम शक्करपारे की रेसिपी लेकर आए हैं। शक्करपारे बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 10 से 12 दिन तक स्नैक्स में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 200 ग्राम मैदा, 4 चम्मच सूजी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, रिफाइंड ऑयल और 100 ग्राम हम यहाँ पे शक्कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम शक्कर को पिघला लेंगे। पहले हम शक्कर को ले लेंगे। शक्कर में हम 5 से 6 चम्मच पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है और इसी में हम डालेंगे ये नमक, बेकिंग सोडा और इसको हम अच्छे से शक्कर के साथ मिक्स कर लेंगे। हम शक्कर को 3 से 4 मिनट तक पिघलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप पाउडर शुगर ले रही हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाएगा। जब तक शक्कर पिघल रहा है तब तक हम एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे में हम मैदा को डाल देंगे। मैदा में हम ये सूजी को मिक्स कर लेंगे और दोनों को मिक्स करके हम इसमें मोयन डालेंगे। तो यहाँ पे हम 4 बड़े चम्मच मोयन डालेंगे। इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन डालना बहुत ज़रूरी होता है, इसका भी परफेक्ट माप होना चाहिए, नहीं तो ये खास्टा नहीं होता है। अच्छे से हम इसे मैच लेंगे। तो ऐसे हम हथेलियों से प्रेस करते हुए सारे गुठलियों को एकदम बारीकी से मैच लेंगे। बिल्कुल मैदे में गुठली नहीं होनी चाहिए। हमने मैदे में मोयन अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे 200 ग्राम मैदा में आपको 50 ग्राम घी या तेल डालना है तो ये परफेक्ट हो जाता है। दूसरा पहचान ये भी होता है, मोयन मैचने के बाद हम मुट्ठी से मैदे को बांधेंगे, आप देख सकते हैं ये बंध जा रहा है, तो ये भी एक माप है अपना मोयन डालने का। अब चलिए हम इसे गूंद लेते हैं। तो हमने जो शक्कर वाली पानी तैयार की थी उसमें से हम मैदे में डालेंगे और इसे हम अच्छे से गूंदेंगे। एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है हमें शक्करपारे के लिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा शक्कर का पानी यानी ये इस मिश्रण को डालते हुए और मैदे को गूंदेंगे। एक बात ध्यान में रख के शक्कर में पानी ऐड करना है कि हमें जितना पानी डाला है सभी पानी को मैदे में यूज आ जाना चाहिए। तो ध्यान से हम पानी डालेंगे, कम रहेगा तो ऊपर से डाल लेंगे पर ज़्यादा होगा तो शक्कर की मात्रा कम हो जाएगी। तो आपने देख लिया हमने 4 चम्मच पानी डाला था, मैदे ने सभी पानी को ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसे हम ऐसे मसलते हुए एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। हमने मसल मसल के मैदे का एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। ये न ज़्यादा हार्ड है न ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम तल का डो हमें तैयार करना है। अब हम एक बाउल से कवर करके इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होता है, अपनी शक्करपारे का शेप अच्छे से तैयार होता है। 20-25 मिनट हो चुका है, चलिए हम एक बार डो को चेक कर लेते हैं।
डो अपना अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे प्लेटफॉर्म पे ही निकाल लेंगे। प्लेटफॉर्म एकदम नीट होना चाहिए। फिर हम एक बारी से मसल लेंगे। आप देख सकते हैं अपना डो जो है एकदम अच्छे से फूला है। हमने डो को मसल लिया। अब इसके हम दो पीसेस में ले लेंगे, एक रख देते हैं, एक को हम ऐसे प्रेस करके लोई बना लेंगे। तो चलिए हम इसे बेलन की मदद से बेल लेते हैं। घुमाते हुए इसे हम बेल लेंगे। तो हमें इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, यानी कि मोटी भाखड़ी हम जैसे बनाते हैं उसी साइज से हमें बेलना है। एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं इतना मोटा बेलना है। अब हम एक चाकू की मदद से इसको काट लेंगे। तो ऐसे हम अपनी मनपसंद के साइज का हम शक्करपारे का शेप दे सकते हैं। अब हम फिर अपोजिट साइड से ऐसे काट लेंगे। ये दिवाली में हर घर में बनता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो हमने शक्करपारा को काट लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम अपना शक्करपारे को एक चम्मच में भर के उठा लेंगे। तो हम एक एक शक्करपारा को ऐसे उठा के एक घड़नी में रखते जाएंगे। आप कोई भी ट्रे में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना अच्छा शेप में तैयार हो रहा है, जैसे पनीर का टुकड़ा है वैसे हमने इसे काट रखा है। तो आप थोड़ा सा सावधानी बरते तो बहुत बढ़िया तैयार कर सकते हैं शक्करपारे को। तेल हमें ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, इसमें मीडियम हीट होना चाहिए तभी हम शक्करपारे को छोड़ेंगे। तो आपको एक शक्करपारा डाल के दिखा रहे हैं, ये देखिए जल्दी से उठ भी नहीं रहा है और धीरे धीरे तेल में बबल्स भी आ रहे हैं। तो बस हमें ऐसे ही तेल गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्म रहा तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये क्रिस्पी नहीं होगा। अब हम इस तेल में सभी शक्करपारे को छोड़ देंगे। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा, तेल हमें ज्यादा हीट नहीं होने देना है, मीडियम गर्म रहेगा तो ही अच्छे से फ्राई हो पाएगा। एक बार में जितना आ सकेगा हम उतना छोड़ देंगे। अभी हमें इसे चलाना नहीं है, जब तक ये अच्छे से पक के तेल के ऊपर तैरने नहीं लगे तब तक हमें इसे छूना नहीं है। हाँ, तेल ज्यादा ठंडा लगे तो आप 10 सेकेंड के लिए फ्लेम को तेज करके हीट कर लीजिए मीडियम, फिर स्लो करके इसे फ्राई होने दीजिए। आप देख सकते हैं शक्करपारे तैर के ऊपर आ गए हैं। तो हम इसे एक बार उलट लेंगे। आप देखिए इसमें एक एक लेयर अलग अलग दिख रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कितना क्रिस्पी होगा। अब हमें सभी सभी को एक बार उलट लेना है और ऐसे ही हम मीडियम फ्लेम पे दूसरे साइड से भी इसे सेकेंगे। इसे 10 से 12 मिनट लग जाता है एक बैच तैयार करने में।
हमने उलट उलट के दोनों साइड से सेंक लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब हम इसे छड़ने की मदद से ऐसे टेढ़ा करके अपने निकाल लेंगे। देख सकते हैं शक्कर पारे की एक एक लेयर आपको खुली खुली दिख रही है। ये कितना क्रिस्पी होगा ठंडा होने पर वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ऐसे ही हम बाकी के बैच फ्राई कर लेंगे। शक्कर पारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये देखने में कितना सुंदर। इसे हम एक शक्कर पारे को तोड़ के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी एक एक लेयर उभर के आई है और ऐसे हम मिस दिए तो ये एकदम अलग अलग दिखने लगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। इसे आप 15 दिन तक आराम से नाश्ते में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।